गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? आई होप ईच वन ऑफ यू इज डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय अदर फ्रेश व्लॉग। तो आई हैव जस्ट वोक अप एंड बाय द वे आज मैं इधर आया हूँ फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था और मेरा थोड़ा सामान भी था इधर। तो फिर उन्होंने बोला कि रात को ही रुक जाओ, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। चलो मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मिलते हैं सही से। ओके, सो फ्रेश हो गया हूँ मैं एंड सही लग रहा है। आई एम फीलिंग फ्रेश एंड बाहर मौसम भी बढ़िया है एंड वहाँ भी फ्रेश हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ मौसम। तो देखो कितना प्लीजेंट मौसम है सही में। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं करा हमने, चले फिर ब्रेकफास्ट करने। ओए तो हाँ जो जो चलते ब्रेकफास्ट करने एंड वहाँ भी देखो कितना सही लग रहा है ना। लास्ट वॉक में बोला था ना मैंने, इससे नए कपड़े लिए थे खुद के लिए, तो समझ जाओ। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। अरे चलो, ये क्या है? ये कुछ इनका सही सामान है है। यहाँ, ये बाल्टी लिफ्ट से बाल्टी सफाई हो निकल रही रहा है। है। सही है। और वामी आज चमक रहे हो, क्या बात है। कर स्टार्ट कर, इसका वेट कर रहा है। बुझे नाश्ता कैसा था ब्रो, बहुत बढ़िया है। मजा आया? हेलो। ऑलराइट, तो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा एंड आप लोगों को पता ही है मेरे को कोई 14 डेज हो गए इधर दिल्ली में, एंड एक जगह भी हम कहीं पे घूमने नहीं गए। उसके दो रीज़न थे, एक तो कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा काम था एंड दूसरा वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा डरता है इस कोविड एंड ऑल से। तो मैं शायद मैं अकेले जाऊँगा तो वो भी सही नहीं लगेगा, तो मैं भी फिर रहा घर पे ही। अब क्या ही कर सकते हैं, बट इवेंचुअली फिर बोर हो जाते हैं ना एक ही जगह बैठ के बिल्कुल अंदर रूम में। अभी हम कल भी हम कोई 6-7 दिन बाहर कल भी हम कोई 6-7 दिन बाद बाहर निकले, वो भी तब जब बाबूजी ने बुलाया, बोला आ जाओ कहाँ हो, तो तब जाके निकले। वरना हम पूरा अंदर ही थे, खाना पीना पूरा ऑर्डर करके अंदर ही बैठे हुए थे। मैं कॉलेज का काम कर रहा था अंदर बैठ के, क्योंकि ऑनलाइन ही होता है सब कुछ, तो ये सीन था। एंड अभी चले फिर वापस होए, तो अभी हम वापस जाएंगे फ्लैट पे। यहाँ सामान भी था ना एक्चुअली, तो ये भी लेके जाएंगे एंड गैस सिलेंडर उधर नहीं था ना, तो गैस सिलेंडर भी लेके जाएंगे। पर भी देखते हैं क्या कुछ रहता है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कैब बुक कराई थी मैंने जो कि विद इन 3-4 मिनट्स आ गई है। कॉल कर रहा था, बोला था मैं ऑलमोस्ट नीचे आ गया हूँ, तो हम मेट्रो से ही जाते हैं क्योंकि सामान है ना और गैस सिलेंडर भी लेना है, तो इसलिए मैंने सोचा कैब बेस्ट रहेगा। चले फिर ओए, आ गया क्या? चलो ठीक है, आने दो इसको। तो ये बंदा मास्क भूल गया था, फिर से ऊपर आना पड़ा है। जल्दी आओ बॉय। तो आ गया ये, चलो वापस। यार क्या बोला, फोन करें, यहाँ पे नेटवर्क से नहीं आ रहे, ऊपर से सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे को अगर ठीक भी आ जाए ना, हम इज लाइक बस हमने क्या किया है, इतना ज्यादा डरता है ये। कैब इज हेयर नाउ, लेट्स गो। दिमाग देखो वामी का, यहाँ रख दी गैस सिलेंडर, जहाँ मुझे बैठना था वहाँ रख दिया लगेज, मतलब हद है यार। आखिर क्या बनेगा आपका इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? ये यहाँ से, यहाँ से इधर ऑर्डर निकल रहे हो। चल ठीक है, ठीक बात है। तो आप लोगों को पता है अभी जस्ट सीन क्या हुआ है? सुनो, मेरे को छींका ही है, मैंने जानबूझ के कान में छींका, मतलब इतना डरता क्यों है? हाँ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऑलराइट, तो हम वापस आ गए हैं फ्लैट एंड सामान भी आ गया है, सिलेंडर भी आ गया है, बट उसका वो रेगुलेटर और पाइप वो लाएंगे बाद में, देखेंगे। एंड अभी आते ही एक्चुअली कल शाम ना हमने वहाँ एक फिश खाई थी, उसको बोलते हैं कुछ सुरमई तंदूरी फिश टिका, तो वहाँ को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो उसने बोला मंगाते हैं। मैंने मंगा लिया, अभी आ रही होगी वो, जब आएगी तब मिलेंगे, सही है ना ब्रो? फिश आ गई। सो ये रही जो मैं बोल रहा था, तंदूरी है ना, तो लेट्स टेस्ट इट।
सेम है यार, आई फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ आई ऑर्डर फिश फॉर मी। अब खाई होगी मैंने ऐसे कभी एक दो बार, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑर्डर मैंने पहली बार करी है एंड मी से इट्स अमेजिंग। यानी ये वाली कुछ अमेजिंग है, सारी फिश अच्छी होती है, बट टेस्ट वाइज मैं बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया है ना ब्रो। तो ख़त्म करते हैं। ओके तो मील्स आर डन एंड इट्स 6 PM बाय नाउ एंड टाइम टू टेक अ पावर नैप, क्योंकि बाहर से ही आए ना एंड अभी करने को आए नहीं कुछ, थोड़ी देर सोते हैं, सोने के बाद में। मच 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 लेटर। यार मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कितने टाइम बाद शूट हो रहा है, बट हाँ भाई सब हालत ख़राब हो गई। मेरे लोअर बैक में इतनी ज़्यादा पेन हो रही है। कॉल किया था वहाँ स्किम्स, वहाँ मेरा एक फ्रेंड है तो कहते हैं सुबह टेस्ट करा एंड वहाँ का रिएक्शन तो मुझको पता ही है, वो भी काफ़ी डर गया। मैं तो घर वाले यार इतने परेशान हो रहे हैं कि यार घर ही आ जाओ वापस। फिर रात के 2:14 खुद सोचो यार, अभी जब कमर में हद से ज़्यादा पेन हुई ना लोअर बैक में, मतलब भाई साहब पेन क्या हुई नेक्स्ट लेवल। मैं लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं बीमारी नहीं होता इनफैक्ट अलहमदिल्ला, बट इस बार ही हुआ ना और ऐसा हुआ पूछो मत। तो यार मैं आप लोगों को बोल लूँ शेयर कर लूँ क्योंकि थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट होता है ना, तो मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। द नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग। तो कैसे है वैसे मैं आप लोगों का क्यों पूछ रहा हूँ, आप लोगों को मेरा हाल पूछना है। तो भाई साहब कल की रात है ना, इट वॉज सीरियसली अ नाइटमेयर एंड अभी 9:30 बज रहे हैं सुबह के। मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर करा है, ब्रेकफास्ट खाएंगे उसके बाद दवाई लेंगे जो भी कल दवाई मंगाई थी, उसके बाद हॉस्पिटल चलेंगे टेस्ट कराएंगे एंड आई होप कि सब कुछ सही रहे। एक्चुअली यार दो ऑर्डर कराने पड़े, एक तो मेरा फ्रेंड आया था ना कल रात को, मैंने बोला था ना कल रात बहुत हालत ख़राब हो गई थी, उसने बोला छोले भटूरे, तो एक ऑर्डर उसके लिए करना पड़ा एंड दूसरा मैंने अपने लिए करना किया एंड उसका ऑर्डर जो है वो आ गया है एंड मेरा वाला अभी आना है। तो चलते हैं हम भी वहाँ, देखते क्या चल रहा है वहाँ। सीखे गए मत सीख छोटी थी आ गया ब्रेकफास्ट मेरे लिए भी, मैं नहीं मंगाता बट मेडिसिन लेनी होती है ना तो मैंने सिंपली सब्जी और रोटी मंगाई है। मेडिसिन वगैरह ले ली है एंड अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड आई होप कि सही हो सब। सो लेट्स गो। प्राइवेट हॉस्पिटल आया हूँ मैं क्योंकि गवर्नमेंट में काफ़ी भीड़ रहती है एंड आज कोविड है तो भीड़ में जाना सही नहीं है। एंड ऐसा है कि कोई भी टेस्ट कराना हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो पहले कोविड का कराना पड़ेगा, तो करेंगे वो भी एंड बाकी सब भी ना, फिंगर्स क्रॉस्ड कि सही हो सब। तो अब रहा मसला इसका COVID-19 टेस्ट का, तो घर पे आ रहा है अभी बंदा सैंपल लेने, तो वो सैंपल लेगा उसके बाद 4 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी, तो आने दो उसको। ठीक है तब मिलते हैं। तो पहले वामी करा रहा है टेस्ट। वामी आपको डर तो नहीं लग रहा है? अरे नहीं यार इसमें क्या डर, अब मेरी बारी है तो कराता हूँ मैं भी टेस्ट। पहले तो यार नोज में होता था, अब मुंह पे ही कर देते हैं। चलो जो भी। तो आज पीपल नो कि टेस्ट कराया हमने, अभी 1-2 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी उसकी एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। 20 minutes later। क्योंकि मैं वो पैरास्टामोल ले रहा हूँ ना तो थोड़ा सा हैवी होता है वो स्टमक पे, इसलिए पहले ये खाऊंगा इसके बाद लेंगे मेडिसिन। डन विद द मील्स। Meanwhile, क्या से क्या हो गया वो? देखते देखते वो। एंड बाय द वे 6:30 बोला था आएगा रिपोर्ट एंड इट्स 6:28, अभी मैंने कॉल करा था तो कहते आधा घंटा और लगेगा, तो अब कोई 7 बजे आएगा ना, तो उसी का वेट कर रहे हैं जल्दी से आ जाए, ऐसे टेंशन है क्योंकि कल रात में बीमार था ना तो उस वजह से थोड़ा सा डाउट है मुझे। एंड वामी की शक्ल तो देखने लायक है। बिस्मिल्लाह तो टेस्ट आ गया है, पहले वामी का खोलेंगे। तो नेगेटिव आ गया है भाई का। ठीक है वामी कैसा लग रहा है? देखो कहाँ है ये, देखो भाई जो ये सैंपल इज, अरे ये है ना भाई सैंपल इज नेगेटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ SARS-CoV-2।
सैंपल इज नेगेटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ सार कोड. अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का नेगेटिव रिजल्ट आया है एंड आई एम रियली हैप्पी. मच लेटर. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा जब टेस्ट का रिपोर्ट आया कोविड टेस्ट का, जरा मस्त बैठे थे, अपना खुश थे, गप्पे लड़ा रहे थे एंड टाइम को पता ही नहीं चला एंड डिनर का टाइम आ गया. सो डिनर इज हियर, तो मिलता हूँ डिनर के बाद. ऑलराइट, तो वी हैड आवर मील्स, आपने तो देखा ही था एंड इट्स 11 बाय नाउ एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा साफ सफाई कर रहा था यहाँ की, तक थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए क्योंकि कर रहा था, आपको पता ही नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा थोड़ी एक्सरसाइज हो रही थक जाऊँगा तो नींद आएगी प्रॉपर. से मैं दवाई भी ले रहा हूँ उस चीज़ के लिए, अब तो ठीक है, अब तो कोई भी टेंशन नहीं है. पहले तो थी कि कोविड की टेंशन थी कि मैं सोच रहा था कि यार अब वो भी ठीक था यार, कोविड भी होता है, कितने सारे लोगों को होता है, हर दिन 2-2.5 लाख के केस आते हैं बट विदाउट पेरेंट्स. तो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था खुद को कैसे हैंडल करूँगा सब कुछ. तो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया एंड अभी क्या है, आज फ्राइडे है एंड सैटरडे संडे डेली लॉकडाउन रहता है, पूरा कर्फ्यू, एसेंशियल आइटम्स मिल जाएंगी उसको छोड़ के पूरा कर्फ्यू रहता है, यानी अब कल और परसों कर्फ्यू रहेगा. तो स्टिल लेट्स सी क्या रहता है. एंड यार पिछली एक वीडियो को आप प्यार नहीं दे रहे हो, पता नहीं क्या सीन है, कमेंट्स में आके बोलो क्या सीन है, ठीक है. सो ड्यू टू एनी रीजन इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ लाइक एंड इफ यू आर न्यू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई विल सी पीपल सून, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.